हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ग्यारसपुर तहसील प्रांगण में दशहरे एवं झांकियों के चल समारोह में दूर दराज से ट्रॉली भरकर क्षेत्र के ग्रामीण जन आते हैं। इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए एवं राम रावण के घमासान युद्ध को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ जाता है। मुख्य हनुमान जी का रोल यशवंत प्रजापति करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की विधायक श्रीमती लीना संजय जैन उपस्थित रही। सर्वप्रथम उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। इसके उपरांत ग्यारसपुर के श्री 1008 त्यागी जी महाराज के साथ माता रानी का पूजन एवं माल्यार्पण किया गया। इसके बाद राम दरबार में पहुंचकर रामलीला कर रहे कलाकारों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। पूरे हमारे ग्यारसपुर के सभी साथियों को, ग्रामवासियों को और सभी क्षेत्रवासियों को भगवान श्री राम के आज लंका जीतने के उपलक्ष्य में और देवी माता की आराधना के जो 9 दिन खुशी पूर्वक बीते, आज उस कार्यक्रम की सभी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। दूसरे कि भगवान श्री राम की जब लंका की विजय हुई, शुभ सूचना को पाकर पूरे देश में, पूरे भारत क्षेत्र में हर्षोल्लास हुआ था। उसी उपलक्ष्य में विजयादशमी का ये पर्व मनाया जाता है और इस विजय उत्सव को हम भी अपने ग्यारसपुर में भी बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं और इसी के लिए हमने ग्यारसपुर जैसी छोटी जगह में यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया रामलीला का जो बरसों से एक कार्यक्रम चला आ रहा है, उस परंपरा को कायम रखते हुए ग्यारसपुर में रामलीला का मंचन होता है और इसके लिए हमारे दुर्गा चौक की जो रामलीला मंडली है, बहुत पुराने पुराने कलाकार हैं, उन सभी कलाकार अभी यहाँ पर, ये दशहरा मैदान हमने तहसील ग्राउंड में तय किया है। पिछले लगभग 15 वर्षों से हम यहाँ दशहरा मना रहे हैं और यहाँ देख रहे होंगे आपके बड़ा रावण भी बनाते हैं, ये मंच भी सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, राम रावण के दरबार भी बनाते हैं, रामलीला का मंचन भी होगा, प्रदर्शन होगा, हनुमान जी बनेंगे, पूरे क्षेत्र की जनता भी बहुत सारी आती है। हमने उन सबको माने रामलीला का मंचन दिखाने के लिए हमारे ग्यारसपुर के जो पुराने प्रतिभाशाली कलाकार हैं उनके द्वारा रामायण दिखाई जाएगी और सब में धार्मिक भावना हम करेंगे, ये हमारी भावना है।